डिस्क्राइबिंग कुछ टर्म्स जो एनाटॉमी में इस्तेमाल होती हैं, वो पता है कि हम अगर एक जनरल बॉडी को देखें जो उसकी सामने वाला पोर्शन होता है, दैट्स कॉल्ड द इंटीरियर और वेंट्रल पोर्शन, यानी हमारा जिधर चेस्ट है, जिधर पेट है, वो सारी जगह। जो पीछे का पोर्शन होता है, जिधर कमर होती है, दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सल और द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ट्रंक। जो सेंटर में जो आपका सेजिटल प्लेन, मैंने आपको बताया था, जिस सेंटर ऑफ द बॉडी से पास करता है, जिसके बाद राइट और लेफ्ट हाफ ऑफ बॉडी हो जाते हैं, ये हमारा, इसको मीडियन प्लेन भी कहते हैं, सेजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन। मीडियन, मीडियल नहीं, MEDIAN, ठीक है। जो भी बॉडी का प्लेन इस सेंटर के करीब होगा उसे हम कहेंगे मीडियल, और जो भी बॉडी की चीज़, प्लेन या कोई भी चीज़, अगर इस प्लेन से दूर होती जाएगी, लैटरल। ये मीडियल लैटरल असल में दो कंपेरेटिव टर्म्स हैं, कंपेरेटिवली यूज़ होती हैं, कि अगर मैं कहूँ कि सपोज़ ये मेरा हाथ है और हाथ की पोजीशन इस तरह से है, ठीक है जी, तो जो मेरी स्मॉल फिंगर है इट इज़ मोर मीडियल बिकॉज ये मीडियम प्लेन के करीब है, और जो मेरा थंब है इट इज़ लैटरल बिकॉज ये मीडियम प्लेन से दूर है। तो कंपेरेटिवली इस्तेमाल होने वाले टर्म्स हैं। देन वी हैव द प्रॉक्सिमल, क्रेनियल या सुपीरियर। जो हमारे पास चीज़ ये सर के करीब होगी उसे सुपीरियर कहेंगे या प्रॉक्सिमल कहेंगे या फिर क्रेनियल कहेंगे। क्रेनियल क्योंकि ब्रेन जो है वो ऊपर होता है। जो चीज़ पाँव के करीब होगी उसे इन्फीरियर कहेंगे, कॉडल कहेंगे या फिर जो है वो डिस्टल कहेंगे, ठीक है जी। तो कोई भी टर्म इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर जो चीज़ हमारे स्किन के करीब होती है और स्किन पे होती है, दैट इज़ द सुपरफिशियल। और जो चीज़ अंदर जा के आती है, मतलब डीपर टिश्यूज़ में होगी, स्किन के बाद अंदर चले जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज डीप चीज़। फिर इप्सीलेटरल क्या होता है, आपकी बॉडी की एक ही साइड के दो स्ट्रक्चर्स। सपोज़ मैं कहूँ कि मेरी राइट हाथ और मेरा राइट फुट, ठीक है जी, तो एक ही साइड के दोनों मेरा हाथ और फुट है, दीज आर इप्सीलेटरल टू ईच अदर, ठीक है। तो कोई भी टर्म जब आप इप्सीलैटरल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सपोज़ कोई आपको कहेगा कि इप्सीलैटरल लिम्ब्स ऑफ द बॉडी आर डैमेज्ड, तो इप्सीलैटरल लिम्ब्स का मतलब है कि एक ही साइड ऑफ बॉडी के लिम्ब्स, यानी राइट लिम्ब, राइट अपर लिम्ब एंड राइट लोअर लिम्ब आर डैमेज, ठीक है जी। इसके बाद जो है, अगर कोई कॉन्ट्रालैटरल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तो कॉन्ट्रालैटरल का मतलब ये होता है कि अपोजिट साइड ऑफ बॉडी की दो चीज़ें। सपोज़ मैं कहूँ कि माई कॉन्ट्रालैटरल अपर लिम्ब्स आर डैमेज, तो इसका मतलब ये कि मेरा राइट अपर लिम्ब भी और लेफ्ट अपर लिम्ब भी डैमेज हो गया, ठीक है जी। कॉन्ट्रालैटरल होता है अपोजिट साइड ऑफ बॉडी की चीज़ें। फिर इन्वेजिनेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अंदर की तरफ घुस जाए, दैट इज़ इन्वेजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरी स्किन है, इसको जब मैं कहूँ कि अगर इसमें ऐसे कोई गड़ा सा बन जाए और ये अंदर की तरफ चली जाए, दैट इज़ इन्वेजिनेशन। और अगर यहाँ से एक बॉय बाहर की तरफ आके दाना निकला है, तो वो होती है इवेजिनेशन ऑफ स्किन, ठीक है। ये बात होगी। फिर हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है, दैट इज़ क्या है जी, कुछ चीज़ें जो अपर लिम्ब से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब मैं रीजन वाइज बताती हूँ, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हमारे पास आ रही हैं। नेक्स्ट, तो ये सपोज एक बंदे का अपर लिम्ब जो है एनाटॉमिकल पोजीशन में जिस तरह होते हैं, मैंने उस तरह से बनाया है। ये उसकी सारी आगे वाला पोर्शन है, मतलब हाथ उसने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। आप ये समझते हैं कि ऐसे करके हाथ है, ठीक है, पूरा बाजू। दिस इज़ ये सामने से ऐसे पिक्चर में दिखाई जा रहा है, और ये वाली सारी साइड जो है वो पीछे की तरफ है। अब क्या क्या टर्म्स हैं, ये जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में होते हैं तो आगे सारा का सारा नज़र आ जाए, दिस इज़ द वेंट्रल और एंटीरियर पोर्शन, यानी ये वाला बॉडी का सारा पोर्शन, पूरे अपर लिम्ब का, ठीक है, बॉडी का नहीं, अपर लिम्ब का, ऊपर कंधे से लेकर हाथ तक, दिस इज़ द एंटीरियर और वेंट्रल। और जो पीछे वाला सारा का सारा होगा हमारा, दिस इज़ द पोस्टीरियर और डॉर्सल, ठीक है जी। फिर मीडियल बॉर्डर कौन सा होगा, एनाटॉमिकल पोजीशन में हाथ ऐसे होता है, हाथ जब ऐसे होगा तो हमारी जो छोटी उंगली है, दैट इज़ मोर क्लोज टू द मीडियन प्लेन। तो जो छोटी उंगली है और इससे रिलेटेड जो सारा हाथ का बॉर्डर है, जो पीछे जा रहा है, और मेरी ये वाली जो साइड है बॉडी की सारी, ठीक है, मतलब दिस वन, ये साइड जो मेरी इस वक्त इन टच विद द बुक है, ये साइड सारी की सारी मीडियल बॉर्डर है। और ये वाली जो मेरी साइड है विच इज़ रिलेटेड टू माई थंब, और थंब से जो पीछे पूरी जा रही है, ठीक है, ये मेरी बॉडी का सारा लैटरल बॉर्डर है, बॉडी का नहीं, अपर लिम्ब का, आई एम सॉरी। फिर मेरे पास क्या, प्रॉक्सिमल, वो चीज़ जो कि आपकी कंधे के करीब होगी वो प्रॉक्सिमल है, और जो चीज़ उससे दूर होगी वो डिस्टल। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा हाथ जितना आपको नज़र आ रहा है उसमें मेरी बाजू का ये पोर्शन, जिसमें मेरे ये कपड़ों का पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो कि मेरे कंधे के ज़्यादा करीब है, सो इट इज़ प्रॉक्सिमल एज़ कम्पेयर टू माई हैंड, क्योंकि मेरा हाथ कंधे से ज़्यादा दूर है, सो इट इज़ डिस्टल। और कोई भी पोजीशन जब आप देखते हैं तो आप एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से उसकी जजमेंट करते हैं, कि एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या प्रॉक्सिमल था, क्या डिस्टल था। उसके बाद अगली बात आती है पामर, ये पोर्शन जिधर आपके पाम हाथ का नज़र आ रहा है, दिस इज द पामर एस्पेक्ट, और ये जो जिस तरफ आपको पाम नहीं नज़र आ रहा है, दिस इज द डॉर्सल एस्पेक्ट। फिर फ्लेक्सर एस्पेक्ट कौन सा, अगर फ्लेक्सर रीजन की बात करें तो आप हाथ को भी ऐसे फ्लेक्स करते हैं, आर्म को भी ऐसे फ्लेक्स करते हैं, तो दिस ऑल जो आपका इंटीरियर पोर्शन है, दिस इज द फ्लेक्सर रीजन, और ये जो पीछे वाला सारा, दिस इज द एक्सटेंसर रीजन, ठीक है जी। लोअर लिम्ब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लोअर लिम्ब में कुछ ऐसी कहानी है कि सामने से जो आपको टांग नज़र आती है जितनी, दैट इज़ द एंटीरियर पोर्शन, और जो पीछे की तरफ होती है रिलेटेड टू योर बैक, बैक से जो नीचे आ रही होती है, बटक्स रास्ते में आते हैं, देन वो आपका लोअर लिम्ब का पोस्टीरियर पोर्शन है। फिर आ जाता है लैटरल बॉर्डर, ऑफकोर्स ये बात है, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो तो जो आपकी स्मॉल लिटल टो है, स्मॉलेस्ट टो है, वो मोस्ट लैटरली होते तो वो आपका लैटरल बॉर्डर होगा, और जो बिगेस्ट टो है वो मोस्ट मीडियली होते तो आपका मीडियल बॉर्डर होगा।
अच्छा, जो डिफरेंस आता है लोअर लिम में वो सिर्फ फ्लेक्सर एक्सटेंसर रीजन में आता है। आपको पता है कि अपनी टांग को अगर आप देखें, तो अगर आपकी ऐसे टांग है तो टांग को आप हमेशा पीछे की तरफ ऐसे मोड़ते हैं, बेंड करते हैं। टांग को जो नी रीजन की बात करें, अगर नी वाला रीजन है, सपोज़ ये सपोज़ करें कि ये मेरा जॉइंट है, दैट इज़ द नी, नी को आप हमेशा ऐसे पीछे बेंड करते हैं, कभी नी आगे बेंड नहीं हो सकती। आगे की तरफ टांग से स्ट्रेट हो सकती है जो हम मोस्ट स्ट्रेट पोजिशन में खड़े होते हैं। तो चूँकि हमारी जो नी वाला पोर्शन है वो पीछे की तरफ बेंड होता है, घुटने वाला पोर्शन से टांग जो है, सो जो हमारी पूरी टांग का फ्लेक्सर रीजन है दैट इज़ द पीछे वाला रीजन, और जो एक्सटेंसर रीजन है वो सारा का सारा आगे वाला रीजन कहलाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। और प्रॉक्सिमल और डिस्टल वही बात है कि जो चीज़ आपकी थाई के पेल्विस के करीब होगी, यानी आपकी थाई पेल्विस के करीब है तो वो प्रॉक्सिमल है, आपका फुट पेल्विस से दूर है तो दैट इज़ डिस्टल। ठीक है जी। फिर अगर हम देखें तो कुछ टर्म्स जो हैं वो कंपेरेटिवली इस्तेमाल होती हैं। वेंट्रल को अगर जनरली बात करूँ तो कोई भी चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि आपके ट्रंक यानी बेली के करीब होगी दैट इज़ वेंट्रल, कोई भी चीज़ जो आपकी बैक के करीब होगी वो डॉर्सल है, और क्रेनियल रोस्ट्रल तो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर एक बॉडी मूवमेंट्स की देखते हैं। अगर दो सर्फेसेज हैं ऐसे स्ट्रेट दो सर्फेसेज हैं और वो एक दूसरे पे मूव करती हैं दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, एक ऐसे दो स्ट्रेट सर्फेसेज हैं और वो आपस में स्ट्रेट मूवमेंट ही कर रही हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही हैं लेकिन ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड ग्लाइडिंग मूवमेंट। लेकिन अगर आप अपने एल्बो को देखें तो एल्बो जॉइंट जो है वो कुछ इस तरह से होता है वैसे जब सीधा होता है तो। ठीक है, ऐसे करके होता है, नीचे होती है आपकी रेडियस अल्ना, ऊपर होती है आपकी ये अपनी जो ह्यूमरस है बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन जब आप उसको फ्लेक्स करते हैं तो ये एक दूसरे के अंदर आके फिक्स हो जाती है और 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है। तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड ग्लाइडिंग, इसे हम कहते हैं एंगुलर मूवमेंट, जो पहले अलग थी फिर बाद में एंगल बन गया तो अलग से होगी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एडक्शन ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ तो नहीं, लिम्स की अगर बात करें, जैसे कोई भी चीज़ जो मिड लाइन के करीब आती है दैट इज़ डूइंग एडक्शन, और जो मिड लाइन से दूर जा रही है दैट इज़ डूइंग एबडक्शन। ठीक है जी, ये एडक्शन और एबडक्शन की बातें होगी। रोटेशन होता है कि अगर हमारी बॉडी जो है वो एक्सेस के गिर्द रोटेट करती है, एक ही एक्सेस के गिर्द, हाँ, तो रोटेशन जब करती है तो इसका मतलब ये कि एक कोई एक्सेस के गिर्द बॉडी रोटेट करे। सपोज करते हैं मेरा ये हाथ है, हाथ ही को देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में इस तरह से होते हैं, अगर मैं इसको यू रोटेट करवाऊँगी तो ये भी रोटेशन है, अगर मैं ये नॉर्मल था इस तरह से रोटेट कराऊँगी तो ये भी रोटेशन है। वो रोटेशन जिसमें मेरा हाथ जो है वो मीडियली मूव करे, अब ऑफकोर्स बताते हैं मेरा राइट हैंड है, इस तरफ मेरी बॉडी लोकेटेड है। ठीक है, अगर मेरा हाथ ऐसे मूव करेगा इसका मतलब ये कि इसके जो पाम है वो मीडियली फेस कर रही है तो ये मेरी मीडियल रोटेशन होगी, लेकिन अगर मैं हाथ को ऐसे मूव रोटेट करूँगी तो दिस इज द लैटरल रोटेशन। बाकी नेक्स्ट पार्ट में।